लेटेस्ट न्यूज और रोचक खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें साथ हिंदी न्यूज चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन। कंगना की एक्टिंग सफर आसान नहीं था। कंगना ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने बिना किसी एक्टर के कई हिट फिल्में दी है जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। कंगना की जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल के मंडी जिले के सूरजपुर में हुआ था। कंगना राजपूत परिवार से ताल्लुक रखती है। कंगना के पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे लेकिन कंगना 12 क्लास में फेल हो गई। माता पिता के खिलाफ जाकर कंगना दिल्ली आ गई। यहां उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया। दिल्ली में 6 महीने रहने के बाद उन्होंने मुंबई की तरफ रुख कर लिया। मुंबई आने के बाद उनका सफर इतना आसान नहीं था। बता दें कि स्ट्रगलर के दिनों में कंगना ब्रेड और अचार खाकर गुजारा किया करती थी। दिल्ली में थिएटर करने के बाद उन्होंने मुंबई में 4 महीने की एक्टिंग कोर्स में दाखिला ले लिया। कंगना को अपनी पहली ही फिल्म गैंगस्टर के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू का ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड 2006 में मिला। कंगना ने अब तक कुल 30 फिल्मों में काम किया है। फिल्म तनु वेड्स मनु और क्वीन में कंगना की एक्टिंग को काफी सराहा गया। इस फिल्म में लोग कंगना की एक्टिंग के फैन हो गए और इसके बाद कंगना का करियर शीर्ष पर पहुंच गया। कंगना को अपनी शानदार एक्टिंग के लिए 3 नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं, जिसमें कंगना को पहला नेशनल अवार्ड 2008 में फिल्म फैशन के लिए मिला और तब कंगना मात्र 22 साल की थी। इतनी कम उम्र में नेशनल अवार्ड पाने वाली कंगना एकमात्र एक्ट्रेस है। इसके बाद कंगना के पास फिल्मों की लाइन लग गई, लेकिन कंगना धीरे धीरे ना ही सही समझा। आपको जानकर हैरानी होगी कि कंगना को फिल्में बिल्कुल देखने का शौक नहीं। उन्होंने अभी तक गिनकर 10 फिल्में ही देखी है। दमदार एक्टिंग के अलावा कंगना इंडस्ट्री में अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। बेहद निडर होकर अपनी बात को रखना उनकी आदत में शुमार है। पिछले साल अपनी फिल्मों से ज्यादा बोल्ड बयान को लेकर सुर्खियों में छाई हुई थी। ऋतिक के साथ झगड़े को लेकर काफी दिनों तक चर्चा में रही। एक्ट्रेस की बायोपिक फिल्म मणिकर्णिका की शूटिंग खत्म हो चुकी है। इस फिल्म में वो लक्ष्मी बाई का किरदार प्ले करेगी। फिल्म में उनके अलावा अंकिता लोखंडे भी नजर आएंगी।